व्यवहार पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर का मैंने देखा है। आइए इन सब से ऊपर इस प्रदेश में राजनीतिक रूप से पार्टी का नेतृत्व का और नेता का गरिमा बढ़ाना भी एक बड़ा दायित्व है। मैंने देखा है कि पूरे 29 राज्य के अंदर में कि प्रदेश की पहचान उसके लीडर से होती है, कई प्रदेश उसके लीडर से जाना जाता है। और भारत के इस लोकतंत्र के अखाड़े में यदि हम अपने लीडर को स्थापित ना कर पाए, राज्यव्यापी से उठाकर देशव्यापी रूप से अगर स्थापित ना कर पाएंगे तो इस राज्य का परिचय हम बदल नहीं सकते हैं। लड़ाई बड़ी है। अब जब देखेंगे कि बंगाल, आंध्रा, गुजरात, हरियाणा या फिर अलग अलग जगह के लोग अपने प्रदेश की बातों को वहां पर कहते जाते हैं, बातों को उठाते हैं। मैंने कई प्रतिनिधियों को वहां पर देखा है कि वहां से आते हैं और एक आवेदन देके डीसी को बोलते हैं कि फलना रोड में एक तो ठोकर लगा दीजिएगा। सांसद का काम क्या है? नीतिगत मामलों में देश के लिए नीति तैयार करना है। उनका मामला क्या है कि ऐसे मामले जो हमारे लोगों के बीच में, चाहे सीसीएल का हो, बीसीसीएल का हो, अधिग्रहण किया हुआ जमीन पर किसानों को हक दिलाने का हो, तो कई चीजें होंगी जो हमारे घोषणा पत्र में आएगा और आएंगे। आप जब आजसू पार्टी आपके बीच में रहेगी, ये गठबंधन आपके बीच में रहेगा, एक एक वोटर को गर्व होगा कि मैंने सही नेतृत्व को चुना है, मैंने सही जगह वोट दिया है। ये वातावरण तैयार करेंगे। आइए पुरानी चीजों को भूलेंगे। ये 2 महीना चर्चाओं का दौर चलेगा, लेकिन आत्मविश्वास से यहां से भर के जाइए कि मेरा छोटा भाई यहां पर आया है और वो विश्वास दिलाया है कि 52 से लेकर अभी तक चाहे जो भी चुना हुआ है, उस विश्वास में आजसू पार्टी उस विश्वास की सीमा को बढ़ाने के लिए आया है और ऐसा संबंध स्थापित करेंगे। क्योंकि हम लोग भाया नहीं मिलते हैं, सीधे मिलने की आदत बना ली है हमने कि कोई भी गांव का एक अदना सा परिवार जब कभी दुखी होगा तो सीधे तौर पर वो हमसे संबंध बना सकता है, मेरे पार्टी के लोगों से बात कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। ऐसा कभी अवसर नहीं मिलता है कि कहेंगे कि भाई मनियाडी का फलना गांव से हम फलना दीदी बोल रहे हैं कि बाबू ये प्रॉब्लम है, तो उसका अध्यक्ष हलो करके उनको सुनेगा और उसका निपटारा करेगा। ये वातावरण गिरिडीह के अंदर आने वाला है, ये वातावरण हम आपके बीच में देने वाले हैं। आइए, ये साधारण लोगों की लड़ाई होगी, लड़ाई बड़ा होगा, लेकिन मैं साधारण लोग के नेतृत्व में लड़ना चाहता हूं, एक अदना गरीब परिवार के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपके वसूल और आपके स्वाभिमान ही हमारा धर्म होगा और सभी को लेकर चलने की अपनी एक कला और आदत है, हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन जो परिवार दुखी है, जो परिवार अभी तक इस शासन की व्यवस्था का लाभ ना ले पाया है, वो हमारी प्राथमिकता केंद्र होगा। कई लोग दुखी हो सकते हैं कि सुदेश बाबू इधर बड़ा चेयर हम लोग लगाए, इधर नहीं आते हैं, गांव तरफ घुस जाते हैं, तो इसे थोड़ा हमको माफ करिएगा, क्योंकि गांव से ज्यादा प्यार है हमको, गांव के लोगों से प्यार है। तो गांव के लोगों के बीच में हम जाएंगे, बैठेंगे, हम उनसे बात और संवाद करेंगे। और शहर, चूंकि गिरिडीह मैंने कहा है कि एक ऐसा शहर है कि पहले से ही बुनियादी रूप से यहाँ के लोगों ने बहुत मदद करके खुद को स्थापित किया है, इसका परिचय बहुत बड़ा है, इसका शिखर बहुत बड़ा है। मैंने आते ही देखा कि लोगों ने कहा कि गिरिडीह आपको मिला है, तो मैंने कहा कि इस राज्य का सबसे ऊंचा शिखर हमको मिला है कि जहाँ शिखर जी बैठते हैं, जैन का हेडक्वार्टर है और उसके नीचे हमें काम करने का अवसर मिला। इस अवसर को हम करेंगे। इस रहने वाली जहां 17 लाख वोटर होंगे, उसी साथ साथ तकरीबन 25 लाख की आबादी का विश्वास को जितना हमारा धर्म होगा, 60 दिन आपके साथ कदम ताल करेंगे, 60 दिन आप भी थोड़ा दीदी मेरे भाई मेहनत करना और आइए। कोई अलग थलग नहीं होगा इस राजनीति स्पर्धा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इस स्पर्धा को शायद आपको लगेगा कि कोई लड़ाई नहीं होने देना है और ऐसा संबंध हम स्थापित करेंगे कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि हम दल के या दल के बाहर के, सभी दल अब गिरिडीह एक परिवार बन के काम करेगा और सभी के साथ मिलकर हम काम करेंगे। शुभारंभ आपने किया है, ये शुरुआत आपने किया है, हमारे कदम इस अभियान के आपके घर से पड़े हैं, ये विश्वास के साथ कि इसी कदम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इन्हीं के साथ कल आपको प्रत्याशी का नाम मिल जाएगा, प्रत्याशी का नाम मिलने से आप आगे बढ़ेंगे। ये पार्टी आपका चुनाव चिन्ह निश्चित रूप से थोड़ा गेला चुनाव चिन्ह आएगा, परिचय कुछ दूर तक बना था, अब बड़ा परिचय बनाने की तैयारी होंगे और ये भी स्वाभाविक है, फूल आपके हिस्से में था और फूल के बाद फल का आना स्वाभाविक है, फूल के बाद फल आपके हिस्से में आया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करते हैं। सभी को धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड, जय गिरिडीह।